गुड्डिस किचन में खाना पकाए, घर में हेल्दी टेस्टी खाना बनाए। गुड्डिस किचन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मसाला बनाऊंगी जिसे आप बना के स्टोर करके रखोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये वेज नॉन वेज दोनों में बहुत अच्छी तरह काम करता है। इसके लिए हम गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम रखेंगे और एक तवा रखेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे 6-7 कश्मीरी लाल मिर्च। इसका छिलका थोड़ा सा मोटा होता है तो सबसे पहले हम इसे 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा तोड़ देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से भून जाए। इस तरीके से इसको चलाते हुए हमें 1 मिनट तक भून लेना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है। हमें मसाला को भूनना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। अब मिर्ची अच्छे से भून गया है। आप इसमें डालेंगे 6-7 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची जिसे हम तोड़ के डालेंगे, 1 चक्री फूल उसे भी हम तोड़ के डालेंगे, 20-25 काली मिर्च, 7-8 छोटी इलायची, 8-10 लौंग। अब ये सारी चीज़ों को हम 1-1.5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। एक डेढ़ मिनट हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया और 2 टेबलस्पून जीरा। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के एयरटाइट कंटेनर में 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गया है, इसकी सुगंध आ रहा है। गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे एक बर्तन में डाल के हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो गया है, आप इसे मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। अब इस मसाले को मटन, चिकन, बिरयानी, इवन तक अब वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई रेसिपी डालूं वो आपको तुरंत मिले। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। घर में हेल्दी टेस्टी खाना बनाए।